तो अब हम बताने जा रहे हैं कि टेंथ से थोड़ा बियॉन्ड बात करते हैं। बियॉन्ड द टेंथ का मतलब यह है कि अभी तक एबीसी, अभी तक हमारा था एबीसी रियल। अगर एबीसी के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डाल दें तो क्या चीजें कन्वर्ट, क्या चेंज हो सकता है कि अगर यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज के दिन में भी बिल्कुल वही है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सिंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। एंड तो इस केस में अब आपको मैं कहता हूं कि आपका जो यहां पे मेन कंडीशन है याद देने वाले, ध्यान देने वाले कि इफ ए बी सी बिलोंग टू रेशनल नंबर्स, यही इसकी पूरी जड़ है। अगर ये होता है तो अपने को टेन तक तो रियल नंबर पे पढ़ रहे थे, अगर ये रेशनल नंबर होता है तो उस केस में हम निकालेंगे डी आर, निकालेंगे डी, डी मतलब आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी निकालने के बाद, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालने के बाद आपका क्या बनेगा, इसके ऊपर ये भी फिर से दो बातें रख सकता है कि या तो आपका ये डी इक्वल टू जीरो होगा या डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जिस दिन डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा उस दिन ये वही अभी भी वही बात कहेंगे, इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, इक्वल रूट, और चीजें बदलने वाली तो है ना। इसके लिए अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर। और ये दिखेगा कैसे परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा दिखेगा कैसे, तो एक्स माइनस माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये तो अब तब है जब डी इक्वल टू जीरो हो गया, तो मतलब रूट्स इक्वल, इक्वल का मतलब है कि काउंटिंग में कोई पूछे कि कितने रूट, जैसे मैं कहता हूं कि दोनों रूट इक्वल हो गए, मतलब टू आपका मान लो कि टू आ गया रूट, तो टू होगा लेकिन वो दो नहीं होगा, टू टू दो नहीं होगा, वो काउंटिंग में एक ही रूट कहलाएगा, काउंटिंग में एक होगा लेकिन वो हम कहेंगे कि दोनों रूट इक्वल होगा। अच्छा, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में दो बातें हो सकती है, या तो डी आपका निगेटिव होगा या तो डी आपका पॉजिटिव होगा। अगर डी निगेटिव होगा तो फिर से वही बात, क्या कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड एंड एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर एंड अपियर इन कॉन्जुगेट पेयर, एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर यानी कॉन्जुगेट पेयर में ये आएंगे। कॉन्जुगेट पेयर पीछे मतलब बता चुका हूं, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो यहां से हम एक कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट दो अलग अलग रूट होंगे। लेकिन फर्दर यहां से ये बातें और थोड़ी सी कैटेगराइज हो जाती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हम रूट्स निकाल रहे थे ना तो वहां पे देखो एक बात आई थी, अल्फा कामा बीटा के समय में एक बात आई थी, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब एक बात बताओ आप लोग, बड़ा ध्यान से समझो, क्या ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसी वैल्यू आ सकती है, कभी जीरो भी हो सकता है, कभी वन हो सकता है, कभी फोर हो सकता है, कभी नाइन हो सकता है, कभी सिक्सटीन हो सकता है, और कभी आपका 36 हो सकता है, 25 हो सकता है, यानी कभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और कभी पांच हो सकता है, कभी चार हो सकता है, कभी तीन हो सकता है, कभी दो, कभी ऐसे भी हो सकता है। तो कभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। तो जिस दिन ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, जिस दिन डी आपका परफेक्ट स्क्वायर, मान लो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, पहले मैं लिखता हूं यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, अगर ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब कुछ ये 0, 1, 2, 0, 1, 4, 9, 16, 25 टाइप की वैल्यू नहीं हुई, उस केस में यहां से ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये नंबर। अगर मान लो कि आपका 17 आ गया तो अंडर रूट 17 12 आ गया तो 2√3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, तो समथिंग रेशनल प्लस, क्योंकि बी रेशनल है पहले ही बताया गया है, तो समथिंग रेशनल प्लस इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो उस केस में जो रूट्स होंगे वहां पे इरेशनल रूट्स हो जाएंगे। देखो यहां तक आपसे बात आके पूछता है सवाल में, इसमें रूट्स कैसे हो जाएंगे, इरेशनल रूट्स हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट तो होंगे, दो अलग अलग रूट होंगे लेकिन इरेशनल होंगे, और इरेशनल भी हमेशा अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर, अपियर इन कॉन्जुगेट पेयर, ये भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आता है। तो बोलोगे कि सर ये कॉन्जुगेट पेयर इसका क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर जैसे बेटा p प्लस रूट क्यू है ना, तो इसका दूसरा हो जाएगा p माइनस रूट क्यू, इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा।
पहली बात। दूसरी बात कि यहां भी साइन चेंज करना है आपको, किसका? सिर्फ ये अंडर रूट वाले का, यानी इरेशनल वाली क्वांटिटी का साइन चेंज करना है। जैसे वहां पे आई का कर रहे थे वैसे यहां पे इरेशनल वाली क्वांटिटी का साइन चेंज करना है। इतना ही नहीं, अच्छा अगर मान लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या होगा? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या होगा? यहां पे मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूं कि अगर ये d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या होगा। आप अपनी कॉपी में ऐसा लिखना कि पूरा जगह बचे, मेरे बोर्ड पे जगह नहीं बच रही है पर आप लिखना कि जगह बचे। तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चे? देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये वाली पार्ट तो पूरे अंडर रूट से बाहर आ गया, मतलब 19 या कुछ 9/4 आ गया या 16/9 आ गया, इस तरह की कोई चीज आई तो ये आपका पूरा इसमें से अंडर रूट से बाहर आ गया। तो रेशनल प्लस रेशनल अपॉन रेशनल क्या बनेगा? रेशनल नंबर बन जाएगा। मतलब उस केस में रूट्स क्या बन जाएगा? रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल। अब इसमें अब ये रूट्स आर रेशनल, रेशनल में जब आपका आप पहुंच गए, जब देखो मैं थोड़ा सा ऊपर से फिर से शुरू कर रहा हूं कि रेशनल होने पे एक और बात है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो एक और बात है, डी परफेक्ट स्क्वायर है, या एक्स्ट्रा मैं नोट करके लिख देता हूं, इसी में ध्यान देने वाली बात है कि रेशनल तो हो कि आप जान देखो इंटीजर भी एक तरह की रेशनल ही होती है, इंटीजर एक तरह की रेशनल होती है। तो क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इफ कभी ए की वैल्यू 1 हो गई, बी और सी ये दोनों आपका इंटीजर हो गया, मतलब लीडिंग कोफिशियंट 1, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1 हो जाए और बी और सी दोनों कोई इंटीजर नंबर आ जाए और साथ साथ डी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में जब जो रूट्स होंगे रूट्स आर इंटीजर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादातर ये वाली बात पे ज्यादातर सवाल पूछता है, क्या क्या कि रूट्स इंटीजर है तो बताओ कि क्या आगे की कंडीशन कुछ फाइंड के लेमडा कुछ टाइप का पूछेगा। इसमें मैं एक और बात जोड़ रहा हूं, जैसे मैं एक और बात जोड़ रहा हूं, वो जोड़ ये बात जोड़ने से पहले थोड़ा सा कि मैं एग्जांपल नीचे कराता हूं। जैसे मान लो अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जरा बताओ इसका डी बताओ, डी मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, ये हो गया 25 माइनस 24, ये 1 आ गया। इसके रूट्स आपको पता है या तो 2 होंगे या तो 3 होगा, 2 या 3 होगा, मतलब ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होगा। यही नहीं, एक और मैं लिखता हूं, जैसे मैंने सवाल लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर जरा इसका भी d निकालते हैं, तो क्या आएगा d इसका आपका माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12, क्या आ गया d इक्वल टू 49 माइनस 48, अगेन 1 आ गया, d इक्वल टू 1 है, इसके भी रूट्स आपको पता है 3 और 4 आने वाले हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आ गया। मतलब जब जब d की वैल्यू 1 आएगा तब तब रूट्स आपके कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होंगे। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरी कि इफ आपका a, ये तो बाकी इंटीजर्स के लिए कंडीशन तो चाहिए ही, b और c बिलोंग टू इंटीजर और आपका t अभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स होंगे रूट्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, इंटीजर तो होंगे ही लेकिन उसमें एक और वर्ड आके जुड़ जाएगा कि ये आपके कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो रूट्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। बोलो बच्चों बात समझ में आई, ये आपका रूट्स क्या हो जाएंगे? कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। बिल्कुल ध्यान रहे, जैसे ये एग्जाम्पल दिखाया, ये एग्जाम्पल दिखाया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जब जब आपका डी परफेक्ट स्क्वायर होगा ए इक्वल टू 1, ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, देखो यहां भी 1 है यहां भी 1 है, और बी और सी देखो यहां पे माइनस 5 इंटीजर 6 इंटीजर, उस केस में रूट्स इसके आपका, अच्छा d की वैल्यू 1 आ गया, d परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ, सॉरी यहां पे मैंने लिखना है परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ 1 लिखना है, यहां पे 1 1, ये परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ 1, तो अगर ये d इक्वल टू 1 हो गया तो ये रूट्स हमेशा कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर होंगे, कब? ये d इक्वल टू 1 होने पे। बात समझ में आई बच्चों? तो d इक्वल टू 1, अब जरा इसी चीज को उल्टा जैसे सवाल कैसे पूछता है, देखो अभी मैं थोड़ी देर में लिखता हूं आपके सामने, सवाल कैसे पूछेगा कि रूट्स ऑफ इंटीजर देन फाइंड के, कोई के या लेमडा या कुछ ऐसा टाइप का, रूट्स ऑफ इंटीजर देन फाइंड के, तो इंटीजर बोलते ही हम कहेंगे कि a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b और c इंटीजर होगा और d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, पहली बात। कभी सवाल में बोलेगा कि रूट आर इक्वल, अगर रूट इक्वल बोल दिया तो हम फटाफट इसका डी इक्वल टू 0 लगा देंगे। कभी सवाल में बोलेगा कि रूट्स आर रेशनल तो आपका डी
पॉजिटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कोई बोलेगा कि आपका रूट्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो उस समय क्या होगा, ए इक्वल टू वन, बी और सी इंटीजर और डी इक्वल टू वन। ये सारी बातें आपको रिवर्स प्रोसेस में सोच के लिखना है, सोचना है। मैं सारे की सारी बातें रिवर्स प्रोसेस में लिखाता हूं, लाइन बाय लाइन में आपको सारा पॉइंट देता हूं। पहले ये वाली चीज भी सीधा सीधा भी याद होना चाहिए, ताकि अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा तो हम डायरेक्ट पे निकाल लेंगे, लेकिन रिवर्स प्रोसेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आओ जरा रिवर्स प्रोसेस के बारे में, यानी वो हम इसके रिवर्स प्रोसेस यानी आपका इंटीजर्स के रूट के बारे में बताया हो तब क्या होगा उसके कंक्लूजन के बारे में लिखते हैं। आओ फटाफट लिखते हैं बच्चों। तो अभी हमको लिखना है कि इसका रिवर्स प्रोसेस में कि अब सॉरी कि रिवर्स प्रोसेस में का मतलब, जैसे मान लो सवाल में गया हो, क्या क्या अगर मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं एकदम सीधा डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन हैव लाइन लाइक दिस, अगर कुछ ऐसे आपका उसके पास लाइन हुई या कुछ ऐसे उसने मांगा है तो हम क्या करेंगे उस केस में। देखो पहला, अगर बोला कि रूट्स आर रियल, सिर्फ रियल बोल दिया, तो उस केस में आपको करना क्या है, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्रेटर देन पे भी जीरो होता है, रियल इक्वल टू जीरो पे भी जीरो, रूट्स रियल ही होता है, तो आपको यूज करना है डी ग्रेटर देन जीरो, डायरेक्ट यूज करना है। मान लो लिखा कभी सवाल में कि रूट्स आर इक्वल, तो आपको उस केस में क्या करना है, चुपचाप उठा के डी इक्वल टू जीरो कर देना है। तीसरा, फटाफट बताओ जरा बच्चों, रूट्स आर रेशनल, अगर रेशनल पूछ दिया तो क्या कर सोचना है अपने को, ये सोचना है कि डी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, सिर्फ यही, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर बोला चौथे नंबर पे कि रूट्स आर इमेजनरी, उस केस में क्या करेंगे, डी उठा के लेस देन जीरो रख देंगे। बात समझ में आ रही है? पांचवे नंबर पे कभी रूट्स बोला कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, क्या कर देना है बच्चों, डी ग्रेटर देन जीरो कर देना है। छठे नंबर पे कभी बोला रूट्स आर इरेशनल नंबर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी जो है पॉजिटिव तो होगा ही होगा, जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब डी पॉजिटिव तो साथ में रहेगा ही रहेगा, तो डी पॉजिटिव तो होता ही होगा, साथ साथ नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हमको यह भी कंडीशन ढूंढने पड़ेगी कभी ये परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो। सातवें नंबर पे आते हैं, कभी मान लो बोल दिया कि रूट्स आर आपका इंटीजर बोल दिया, सिर्फ इंटीजर बोल दिया, तो क्या करेंगे भाई, फटाफट ए इक्वल टू वन, मतलब ए का तो वैल्यू मिल गया ए इक्वल टू वन, बी और सी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, और डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा मान लो कि ये पूछने के बजाय आठवें नंबर पे ये बोल दिया कि रूट्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, अगर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर जब बोल दिया तो उस केस में डी के बारे में क्या ख्याल है, तो डी इक्वल टू पक्के तौर पे वन हो जाएगा, और ए आपका वन हो जाएगा, और बी और सी दोनों इंटीजर मांगता है। बात समझ में आ रहा है? फिर आपका नाइन्थ नंबर पे, जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी देर के लिए यहां पे लिख देता हूं, बीच में यूज कर लेता हूं, फिर नाइन्थ नंबर लिखाता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो मान लो लिखा नाइन्थ नंबर पे कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आप देखो एक बात पक्की तौर से कह सकते हैं कि वन रूट इसका हो जाएगा वन, एक रूट हो जाएगा, देन वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन। तो अगर पहला वन हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा, अदर क्या हो जाएगा, जरा याद करो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, एक तो वन हो गया, यहां से अल्फा अगर इक्वल टू वन हो गया तो बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू, अगर बीटा इक्वल टू वन हो गया तो अल्फा इक्वल टू आपका सी बाई ए, या अल्फा इक्वल टू वन हो गया तो बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। टेंथ नंबर पे मान लो कभी ऐसे आया कि इफ ए माइनस बी प्लस सी, डायरेक्ट ये सब देखने का तरीका है,
अगर सवाल में कंडीशन दिया है कि a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो बताओ यहाँ पे एक रूट क्या हो जाएगा, क्या ऐसा रखें x की वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर दे, क्या रखें आ गया दिमाग में x इक्वल टू माइनस वन, तो हो जाएगा देन वन रूट इज इज माइनस वन, तो अदर क्या हो जाएगा, अब अदर आप समझ सकते हो बेटा माइनस सी बाई ए, यहाँ पे सीधे पुट हो गया माइनस सी बाई ए। 11 नंबर पे कई बार आपको ये मिलेगा कि 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू जीरो है, देन वन रूट क्या हो जाएगा, वन रूट इज टू अदर रूट इज c बाई टू ए। अब मैं फटाफट लिख रहा हूँ 12, a आपका 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू कभी जीरो आ गया, तो एक रूट क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा एक रूट, क्या इस केस में भी एक रूट आपका माइनस टू हो जाएगा, और अदर क्या हो जाएगा सी अपॉन माइनस सी अपॉन टू है। तो इस तरह की चीजें आपके सामने अगर आती हैं, मान लो कि और भी कुछ अगर और कुछ आपके सामने आया, जैसे कि मैं 13 नंबर पे अगर लिखता हूं, मैं ऐसा कुछ डाल देता हूं जैसे कि अगर रूट इसके साइक्लिक ऑर्डर में है, कि जैसे मान लो कि इफ इफ ऐसे दे रखा हो कि इफ रूट्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर, जैसे कि आपका मैं लिखूं कि इसके रूट्स है ए प्लस बी, अगर मान लो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू स्टिल जीरो दे रखा है एंड पूछे फाइंड आपका, या मैं छोड़ता हूं इसको, इस बात को अभी फिलहाल के लिए छोड़ता हूं, तो आपके इस तरह के कोई कुछ कंडीशंस रहेंगी तो हम रूट्स के बारे में फटाफट इनके रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि ये रूट्स क्या होंगे, वन रूट पहला रूट क्या होगा, दूसरा रूट क्या होगा। ये सिंपल सी बात है, मतलब इस तरह के कंडीशंस देख देख के अपन लोग रूट्स के बारे में बता देंगे, अपोजिट भी अगर ये रिवर्स में, रिवर्स में कुछ ऐसी बातें पूछता है, बात समझ में आ रही है, कुछ ये बातें आपका रिवर्स में पूछता है। थोड़ा सा और इसको एक दो और पॉइंट आगे बढ़ाते हैं, तो अपना थोड़ा एक और पॉइंट बढ़ाते हैं, ये आपका 13 नंबर का पॉइंट हो जाएगा कि अगर मान लो कि इफ कोफिशियंट दे रखा है इसका, कोफिशियंट आर इन साइक्लिक ऑर्डर। बेटा साइक्लिक ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, अगर कोफिशियंट साइक्लिक ऑर्डर में है, लाइक जैसे देखो ए माइनस जैसे ऐसे पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस एस माइनस पी क्यू क्यू माइनस आर आर माइनस पी ए इज इक्वल टू जीरो, अगर देखो कोफिशियंट साइक्लिक ऑर्डर में है, देन वन रूट इसका, देन वन रूट जो होगा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वन रूट इज वन, क्योंकि अगर आप देखो तो सम ऑफ कोफिशियंट, देखो सम ऑफ कोफिशियंट, देखो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये कुल मिला के इसकी तरह हो गया कि इनके कोफिशियंट का सम जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अदर रूट क्या हो जाएगा, एंड अदर रूट इसका हो जाएगा, अदर रूट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अदर रूट इज सी बाई ए। बात समझ में आ रही है बच्चों, जरा एक और छोटा सा पॉइंट हम लिख लेते हैं, इसको यहां से मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ फटाफट के लिए, कि आपके सामने मान लो एक दो पॉइंट यहीं पे इसको खत्म कर लेते हैं, फिर मैं पूरा आपका दिखाता हूं। मान लो कि ये भी आपके सामने अगर हम कह रहे हैं, कितने 13-14 नंबर का पॉइंट ना, कि इफ इफ अल्फा कामा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में देन वी कैन राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रहा है, और 15 नंबर का बात, रूट्स आर कॉल्ड जीरोज फॉर पॉलिनोमियल, अगर यही पॉलिनोमियल होगा तो उसके लिए जीरोज क्या लाएंगे। कहने का मतलब कि अगर हमसे कहा जाए कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उस केस में इसको अल्फा बीटा कहलाएंगे इसके जीरोज, अगर ये जीरोज हैं तो उस केस में हम पी एक्स को लिख सकते हैं, पिछले लेक्चर में मैं सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं ये वाली बात, ए एक्स माइनस अल्फा ए एक्स माइनस बीटा। मतलब बच्चों बात समझ में आ रही है, तो ये जो बातें हैं कुछ बातें जो डायरेक्ट आपके सवालों में ऐसी ही कुछ चीजें दिखेंगी, और उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि इस रूट्स का नेचर कैसा है, किस टाइप का ये रूट्स है। बात समझ में आ रही है, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों की तरफ बढ़ेंगे, तो बोर्ड हमको मिटाने की जरूरत पड़ेगी, आओ बोर्ड मिटा लेते हैं फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं।
तो अब हम करेंगे इसी नेचर ऑफ रूट्स के बेसिक्स पे कुछ सवाल करते हैं। जैसे देखो मान लो कि मैं बहुत सिंपल सवाल लेता हूँ, सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक सवाल लेता हूँ, आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि इफ रूट्स, आप देखो कैसे दिखेगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ऐसे लिखा हुआ है कि एम एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो आर रियल। हम सिंपल सवाल से स्टार्ट किया हूं, रियल फाइंड एम, देन फाइंड एम। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आप एक मिनट में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, एक मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो आज सोल्यूशन में बात करते हैं, आपको बनाने का मन है तो फटाफट एक मिनट में इसका जवाब आप दे लो, एक मिनट में आप निकाल लो कि क्या क्या दे रखा है, मैंने सब रिवर्स प्रोसेस लिखा दिया है। तो सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों, क्या है कि कह रहा है सवाल में कि अगर इसका रूट्स रियल है, रूट्स कैसा दे रखा है, रूट्स आर रियल, और रियल के लिए मैंने कंडीशन आपको लिखा रखा है रियल होते ही डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एम एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सिंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन आई शुड राइट एम शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आई थिंक यू गॉट इट कि आपका एम शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो पहली बात आ गई। सेकेंड चीज की एम डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई डी मीन्स माइनस टेन का स्क्वायर माइनस फोर ए के जगह पे आपका हो गया एम एंड सी के जगह पे हो गया आपका फोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, हंड्रेड माइनस सिक्सटीन एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये देखो जरा, सिक्सटीन एम को उधर ले गया तो ये बन गया हंड्रेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिक्सटीन एम, मतलब एम लेस देन आर इक्वल टू हंड्रेड बाई सिक्सटीन, कोई दिक्कत नहीं है। और हंड्रेड बाई सिक्सटीन को आप सॉल्व करो तो ये आएगा आपका एम लेस देन आर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, फोर से ऊपर से कटेगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर। तो क्या इसका आंसर, क्या आंसर होना चाहिए कि माइनस इनफाइनाइट से 25 बाई 4 होना चाहिए क्या, बिल्कुल होना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात आप ऊपर से ध्यान दे देते बस आप कि m should not be equal to zero, मतलब इनके बीच में जीरो लाई कर रहा है तो जीरो को माइनस कर दो सर, बस यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि m की वैल्यू 25 बाई 4 से छोटा तो माइनस इनफाइनाइट से 25 बाई 4 माइनस जीरो, बात समझ में आ रही है। मान लो इसी में बोल देता आपसे सवाल ऐसे कि रूट्स आप इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो आर इमेजिनरी, तो उस केस में फाइंड लेमडा, आपको लेमडा बताना है। तो क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं हम लोग, फिर से वही इमेजिनरी होते ही डी लेस देन आर लेस देन जीरो, डी मतलब क्या, लेस देन जीरो का मतलब लेमडा का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए के जगह पे टू सेवन लेस देन जीरो, ये आपका हो गया आई थिंक लेमडा स्क्वायर माइनस 56 लेस देन जीरो। 56 को आप एक काम करो, इसको ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ो तो ये हो जाएगा टू रूट 14 और लेमडा प्लस टू रूट 14। देखो अरे 56 को टू रूट 14 का स्क्वायर करोगे तो 14 फोर जा 56 होता है, लेस देन जीरो तो लेमडा के डायरेक्ट वैल्यू, इनिक्वालिटी इतना पढ़ा चुका हूं तो लेमडा की डायरेक्ट वैल्यू माइनस टू रूट 14 से लेके प्लस टू रूट 14 तक। बोलो बात समझ में आया, अगर सवाल ऐसे ना देकर ऐसे दिया हो, जरा देखो सवाल में लिख रहा हूं फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, तो एक और छोटा सवाल कराता हूं, उसके बाद मैं आपको ये सवाल भी करा देता हूं, ये छोटा सा सवाल पहले कराता हूं, पहले छोटा सवाल कराता हूं, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन में लिख रहा हूं यहां पे देखो एक्स स्क्वायर मॉड एक्स का स्क्वायर या सिंपल सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्योंकि सवाल में तो बुक की किताब में सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री मॉड एक्स माइनस थ्री मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू या प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक बात मैं बता रखा हूं कि एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स स्क्वायर सेम होता है,
एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम होता है, कोई आपत्ति नहीं है दोनों को। तो देखो ये मॉड में है, हम इससे ये तो हमारे लिए परेशानी का सबब है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसको हम लिखेंगे मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहां से एक बात है कि यहाँ पे मॉड एक्स के हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि मॉड एक्स बराबर टी मान लेंगे, तो ये टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू, ये जान बुझ के मैं थोड़ा अलग लिखाया हूँ, नंबर ऑफ रूट्स पूछा हूँ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे रूट्स या सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा टी माइनस वन एक फैक्टर आएगा और एक टी प्लस एक टी माइनस टू एक फैक्टर आएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से दो बातें हो सकती है, टी इक्वल टू वन या टी इक्वल टू टू। ये टी का मतलब आपका मॉड एक्स इज इक्वल टू वन और मॉड एक्स इज इक्वल टू टू, याद करो मैं यहां से बताया था कि अगर ये है तो प्लस माइनस वन होगा सोल्यूशन या मॉड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू होगा सोल्यूशन। तो बोलो नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो बोलो नंबर ऑफ रूट्स कितने, नंबर ऑफ रूट्स कितने बच्चों, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू फोर, चार रूट्स। लेकिन अगर ये थोड़ा सा मैं सवाल बदल दे रहा हूं, देखो अभी सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा इस सवाल को मैंने बदल दिया, क्या बदल दिया, आज के दिन में रखा मॉड ए सी पे वही नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ किसके एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स थ्री मॉड एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो फिर से हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि फिर से इसको तो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं बच्चों टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ऊपर है मैंने टी बता रखा है इसके लिए। ये क्या हो जाएगा इसके फैक्टर, एक देखो टी माइनस फोर एक होगा और एक होगा टी प्लस वन। आप शायद फैक्टर निकाल ले रहे होगा, मैं फैक्टर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो टी माइनस फोर एक और टी प्लस वन, बात समझ में आ रहा है। यहां से एक वैल्यू आई टी इक्वल टू फोर और यहां से एक वैल्यू आई आपका एक वैल्यू आई कितना आपका माइनस वन, यानी टी फोर का मतलब मॉड एक्स इक्वल टू फोर, यहां से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या हुआ आर, ये आपका मॉड एक्स इक्वल टू वन, और मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, तो इधर से कोई पॉसिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे बच्चों, बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, मतलब अभी तो ये मैं ये दे रखा हूं ना, थोड़ी देर बाद मैं इसी सवाल को यहाँ पे ए बी सी पॉजिटिव लगा के भी दूंगा, सब तरह से सवाल कराऊंगा मैं आपको। तो यहां से तो आपका सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशन जो आया है, नंबर ऑफ जो रूट आया वो आया आपका सिर्फ टू। बोलो बात समझ में आ गई, ये तो आपका सिंपल सवाल है। एक और सवाल जरा सा हम उसको करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं कि यही पे जो सवाल मैंने बीच में छोड़ रहा था उसी सवाल को फटाफट मैं यहीं पे करा देता हूं। देखो बच्चों, मान लो आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है, क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखो क्या लिखा है, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अगर इसके रूट्स के नेचर के बारे में बात करेगा तो सबसे पहले देखा जाए तो तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जुड़ी हुई है, पर हम इसको तीन की तरह नहीं, जब तक संभव होगा तब तक एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह देखेंगे। देखो अब हम मल्टीप्लाई करना चालू कर रहे हैं, यानी हमको जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है। आप चाहे तो एक डेढ़ मिनट ज्यादा का सवाल नहीं है अभी भी स्टिल ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आएगा, ये x और x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आएगा, ये x और x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आएगा, तीनों मिलके 3x स्क्वायर हो जाएंगे। पर हम एक बार के लिए मल्टीप्लाई कर लेते, देखो हम देखो डायरेक्ट अगर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस x कॉमन a प्लस बी, माइनस x कॉमन कर लिया तो यहां से a प्लस बी, माइनस कॉमन कर लिया तो b प्लस सी, यहां से माइनस कॉमन कर लिया c प्लस a, तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। यहां से माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस ए बी, यहां से माइनस माइनस प्लस बी सी, यहां से माइनस माइनस प्लस सी ए, मतलब अपना जगह भी बचा लिया हमने और सब कुछ डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस बी प्लस सी, क्यों भाई ए ए मिलके टू ए, सी सी मिलके टू सी, बी बी मिलके टू बी, और यहाँ पे आपका बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या, देखो मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या ले हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस सी
और फिर यहाँ पे प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस सी प्लस ए सी इक्वल टू जीरो। अब देखो सब में से एक एक्स एक एक्स एक एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन कर लिया, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए ये वाला आ गया, और देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये वाला टर्म आ गया, सब बराबर है। अब इसके यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आ गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके रूट्स के बारे में बताना है कि रूट्स कैसे होंगे, कि मतलब रूट्स आपके रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे या रेशनल होंगे, क्या हो गए इसके बारे में बात करनी है। तो अभी ये बोला नहीं है कि ए बी सी कैसा है, तो अपन लोग उस पर ध्यान भी नहीं देंगे, रियल मान लेंगे। इसका डी निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी, बी का मतलब हो गया आपका टू का स्क्वायर आपका फोर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस फोर ए के जगह पे तीन, सी के जगह पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जरा देखो चार तो कॉमन हो गया सब में से, इसका स्क्वायरिंग ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस थ्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा बच्चों बहुत अच्छा, कॉमन हुआ कुछ घटा तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये। और इसको आप पढ़ चुके हो कई बार, मैं बता चुका हूं कि ये होता है आपका फोर, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर इंटू वन बाई टू ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब टू से टू कट गया, ये आया टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये कैसे होता है, तो देखो दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो से डिवाइड कर दो, पूरे में दो से मल्टीप्लाई करो दो से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। ध्यान रहे फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं दिखाऊंगा नहीं, वो आप कर सकते हो कॉपी पे, मैं बस आपको यहाँ पे हवा में दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। हवा में कैलकुलेशन करना बड़ा ही मतलब मजेदार होता है, अगर आप सीख रहे हो हवा में ना तो बहुत ही शानदार होता है। क्या टू टू से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, देखो टू से डिवाइड कर दिया, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। अगर आप ऐसे नहीं देख पा रहे तो अपने कॉपी पे लिखना चालू कर दो। फिर ए स्क्वायर यहाँ से टू ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अलग अलग कर दिया, फिर बी स्क्वायर इसको दो जगह लिख दिया, सी स्क्वायर इसको भी दो जगह लिख दिया, इन सबको रहने दिया, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर एक माइनस टू ए बी एक साथ कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, एक बी स्क्वायर एक बी स्क्वायर भी बचा हुआ था, एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर लेके और इस टू बी सी के साथ ये बना दिया, तीसरे वाला ये बना दिया ए स्क्वायर, तो ये सब बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी आपके सामने क्या आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब एक ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। देखो दोबारा मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ डी इक्वल टू आया टू ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब जरा देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जिस दिन a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ये आपका d की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू जीरो होगा, और d ग्रेटर देन r इक्वल टू जीरो होने से हमारा डिसीजन क्या होता है रूट्स के बारे में, क्या डिसीजन होता है, हमारा डिसीजन होता है कि रूट्स आर रियल, मतलब आपका रियल सिर्फ रियल लिखते हैं, मतलब कि दोनों इक्वल भी हो सकता है और दो अलग अलग रूट्स भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ये रूट्स रियल, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे सवालों के साथ प्रेजेंट होंगे, आज तो बस बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा था, कुछ और अच्छे सवाल के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर।